तो क्लास 10 मॉन्टफोर्ट स्कूल बेटा, तुम्हारा वैसे तो ये चैप्टर रिमूव हो गया, लेकिन जो ये टेबल है ट्रिग्नोमेट्री, ये आपके लिए बहुत नेसेसरी है, तो इसलिए इसको बता देता हूँ। देखो 0, 30, 45, 60 एंड 90, ठीक है। ये आ गया साइन, कोस, टैन, कोट, सेक एंड कोसेक। देखो जो साइन 0 वो होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, ऐसे ही साइन 60 आ गया √3/2, साइन 90 आ गया 1। देखो जो साइन होता है इसकी वैल्यू याद रखनी होती है ज़्यादा दिन में, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। इसको वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, जो कोस में लिखते हैं 1√3/2, 1/√2, या आगे इधर 1/2 और ये साइड 0। देखो जो अब आगे बात टैन की, अब हम टैन पे बात करते हैं। एक फॉर्मूला लिखा जाता है टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 0, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 1/√3 1, और यहाँ पे आ जाएगा √3, और यहाँ पे आ जाएगा इनफाइनाइट। देखो 0 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट आ जाता है। अब बात कोट की आगे, तो उधर से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, इनफाइनाइट √3 1, 1/√3 एंड 0। अब आ गया sec, sec किसका अपोजिट होता है cos का, तो 1/1 तो 1 हो गया, इसको अपोजिट लिख दो 2/√3, ऐसे इसको लिख दो √2, इसको लिखेंगे 2, यहाँ पे 0 है लेकिन इसको 0 को क्या लिखते हैं 0 कौन 1 लिखते हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 1/0, और ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। अब उधर से लिखना स्टार्ट कर देते हैं ऐसे, वैसे cosec sin का उल्टा होता है, अपोजिट होता है, वहाँ से भी सीख सकते हैं 2√2 2/√3 एंड दिस इज हुआ। बेटा इसको अच्छे से याद कर लेना, आगे जितने भी क्वेश्चन है अगर एक्सरसाइज रिमूव हुई तो, बट ये हाइट एंड डिस्टेंस में भी काम आएगा आपको बहुत ज़्यादा।